बोलो आशुतोष। आशुतोष कहाँ गया? यस सर। दिख रहा है ना स्क्रीन? यस सर। ये क्यूब दिख रहा है। अगर इस क्यूब को मैं ओपन करूं, ये देखो इस, ये ओपन हो रहा है और ये ओपन होके बिल्कुल फ्लैट हो गया, फ्लैट सरफेस आ गया। तो अब ये क्या डाइमेंशंस बना सर? ये सर 2D बन गया। हाँ वेरी गुड, ये 2D बन गया। क्यों? इसके दो दो डाइमेंशंस है। कौन से दो डाइमेंशंस है वो हम देखते हैं। ये देखो अगर मैं दिखाऊं, एक तो इसकी ये तीन डायमेंशन होते हैं, ये डायरेक्शंस दिखाए हुए हैं, एक्स वाई और जेड, तीन डायरेक्शंस है। यानी कि अगर हम इन तीनों डायरेक्शन में इसको मेजर कर सके, इसको नाप सके, तब तो ये थ्री डायमेंशंस हैं। अगर दो डायमेंशंस, दो डायरेक्शंस में हम इसको मेजर कर सके तो टू डायमेंशंस हैं। और अगर एक ही डायरेक्शन में मेजर करें, फॉर एग्जांपल एक स्ट्रेट लाइन है, ये जैसे एक लाइन ड्रॉ की मैंने, तो इसको मैं एक ही डायरेक्शन में कर सकता हूँ मेजर, इस यहाँ इस डायरेक्शन में, तो ये वन डायमेंशन है। लेकिन अगर मेरे पास फ्लैट सरफेस है, जैसे ये एक स्क्वायर है, तो मैं दो डायरेक्शन में इसको मेजर कर सकता हूँ, एक तो इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, ठीक है? तो ये टू डायमेंशन। लेकिन अगर मैं इसको तीन डायरेक्शंस में मेजर कर सकता हूँ, जैसे मान लो यहां से एक्स है, यहां से वाई है, और फिर ये भी एक डायरेक्शन है जेड, यानी कि इसकी हाइट, तो ये थ्री डायमेंशंस होते हैं। अब जब मैं इसको फ्लैट सरफेस करता हूँ, जैसे मैंने इसको ओपन किया, तो टू डायरेक्शंस है, एक तो मैं इसकी यहां से यहां तक इस डायरेक्शन में मेजर कर सकता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ इसकी लंबाई कितनी है, तो आप इसको यहां से लेके इस एज से लेके इस एज तक नाप सकते हो। तो ये कौन सी डायरेक्शन है? इस एरो को देखो, ये डायरेक्शन है वाई, ठीक है ना? या आप इसको ऐसे मेजर कर सकते हो, यहां से लेके इस डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन है एक्स। अगर आप इस, ये जो ग्रे कलर का है, इसको अगर आप मेजर करो इस डायरेक्शन में, तो ये भी कौन सी डायरेक्शन हो गई? अब इस डायरेक्शन, ये जो तीन डायरेक्शंस दिखाएं इनके साथ देखो, तो अगर मैं इसको यहां से यहां तक मेजर करूं, तो मैंने कौन सी डायरेक्शन से मेजर किया? सर आपने किया एक्स की डायरेक्शन, इसको देखना है। इन डायरेक्शंस को हम एक्सिस भी बोलते हैं, एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, डायरेक्शंस को हम एक्सिस भी बोलेंगे। सो जब मैं इसको यहां से यहां तक, जैसे इस ग्रे कलर का जो बॉक्स है, इसका यहां से यहां तक मेजर किया, तो ये एक्स डायरेक्शन में, और अगर मैंने इसका यहां से यहां तक मेजर किया, तो ये वाई डायरेक्शन में। इसी तरह मैं इसका कोई भी डायमेंशन अगर मेजर करूं, मान लो मैं इसको इस एज से लेके मेजर कर रहा हूं इस एज तक, तो ये कौन सी डायरेक्शन है? जेड एक्सिस। नहीं, जेड कैसे हुआ? ये भी एक्स ही है, देखो ना, इसके पैरेलल यहां से मैंने इस डायरेक्शन में किया, तो यहां इसको देखो, ये तो एक्स के पैरेलल है, तो ये भी एक्स एक्सिस है। या मैं इसको किसी चीज को, ग्रीन कलर के, सिर्फ ग्रीन कलर के बॉक्स को अगर मेजर करूं, तो मैं दो एक्सिस, दो डायरेक्शन में मेजर कर सकता हूं, एक ये तो हो गया एक्स, और
ये हो गया मेरा वाई, लेकिन जेड नहीं दिखाई दे रहा है मेरे को। जेड है इसकी बॉक्स की हाइट, वो तो अभी दिख नहीं रही है क्योंकि अभी तो ये फ्लैट कर दिया मैंने। तो अभी क्योंकि जेड एक्सिस है नहीं मेरे पास, तो ये टू डायमेंशनल इमेज है, फिगर है। इसके अंदर दो ही डायमेंशंस है, कौन कौन डायरेक्शन, एक्स एंड वाई। लेकिन जब मैं इसको बंद करता हूं, इसको एक बॉक्स की शक्ल देता हूं, फॉर एग्जांपल इसको मैंने ऐसे क्लोज किया, अब इसके तीन डायमेंशंस हैं। अब मैं इसको इस डायरेक्शन में भी मेजर कर सकता हूं, ये तो मेरा एक्स है। इसको मैं यहां से यहां तक मेजर कर सकता हूं, ये मेरा वाई है। इसको मैं यहां से यहां तक, इसकी हाइट जो है वो मेरी जेड है। तो तीन डायरेक्शंस में, यानी कि तीन डायमेंशंस में मेजर कर सकता हूं, इसलिए इसको हम बोलेंगे थ्री डायमेंशंस और 3D। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे अलग अलग पैटर्न हो सकते हैं। अब ये तो हो गया, मैंने बंद किया। अब मैं अगर पैटर्न चेंज करूं, अभी देखो इसको पहले ओपन करते हैं हम। अगर मैं इसका पैटर्न चेंज करता हूं, जैसे मैंने ये ऐसा बनाया या ऐसा बनाया, कुछ भी पैटर्न हो, जो मैं इसको बंद करूंगा, ये देखो अभी ये ऐसे बंद हो रहे, तो फिर से बॉक्स बन गया। अगर अब मैंने इसको फिर पैटर्न चेंज कर दिया, मैंने पैटर्न ऐसे बनाया, लेकिन जब मैंने इसको बंद किया, तो ये फिर बॉक्स बन गया। यानी कि जब तक ये खुला रहेगा, वो कोई भी पैटर्न हो, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, ये जितने भी पैटर्न है, ये सारे टू डायमेंशंस हैं। जब तक ये ओपन है, जैसे मान लो मैंने ऐसा डायरेक्शन, ये एक पैटर्न बना दिया। जब मैं इसको क्लोज कर रहा हूं, देखो क्या हो रहा है, फिर बॉक्स बन गया। तो जब मैं इसको क्लोज करता हूं, तो ये थ्री डायमेंशंस बनता है। और जब तक इसको मैं ओपन रखता हूं, पूरा ओपन रखता हूं, तो ये टू डायमेंशंस बनता है। ठीक है, तो इसको आप इसको भी इस गेम को या इस एक्सरसाइज को आप खुद अपने मोबाइल पे भी कर सकते हो। तो ये मैं यहाँ पे, हम ये अपने गूगल क्लासरूम में एक असाइनमेंट डालेंगे 402, तो वो आप खुद उसको कर लेना। कैसा जैसे मैं इसमें डाल देता हूँ असाइनमेंट नंबर 402, और इसको हम लिखते हैं थ्री डायमेंशंस। ठीक है, और ये एक्सरसाइज है, ई लिख देता हूँ ब्रैकेट में। तो इसमें लिंक में डाल देता हूँ यहीं पे, तो आप लोगों को, आप इसको अपने मोबाइल पे यूज करना। जैसे ये वाली जो एक्सरसाइज है जो अभी हमने की 2D से 3D बनाने की, इसका मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, तो आपको ये ज्योमेट्री में दिखाई देगा। ठीक है, और देखते हैं इसके कुछ डायमेंशन के, थ्री डायमेंशन के, या ये एक एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को सेव करते हैं। इसमें क्या लिखा है, टू आइडेंटिफाई 3D शेप्स फ्रॉम 2D शेप्स। तो ये भी एक्सरसाइज है, ये भी आप वहां पे देख सकते हो। इसको भी आप खोल के
अटैचमेंट को, लिंक को खोल के इसमें यहाँ पे आपके यहाँ इस राइट साइड में आपको थ्री डायमेंशनल फिगर है और ये जो है ये उनका नेट डायग्राम है जो हमने जब ओपन किया ना, जब हमने यहाँ पे ओपन किया था कहाँ पे, ये वाला, जब ये हमने ऐसे ओपन किया इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं 2D शेप। हाँ 2D शेप को हम बोलेंगे नेट डायग्राम। लिखो कॉपी में जो 2D, इसका 2D डायग्राम होगा वो इसका नेट है। इससे नेट जैसे जाली होती है, जब इसको हम क्लोज करेंगे नेट डायग्राम को तो ये हमारे को एक थ्री डायमेंशनल डायग्राम बन जाएगी। तो ये जो आपका एक्सरसाइज है जो हमने अभी देखी, कौन सी एक्सरसाइज कहाँ पे, ये वाली, ये भी 402 में होगी। इसमें यहाँ पे ये सारे थ्री डायमेंशंस हैं, जैसे इसने दिखाया है कि ये शेडेड पोर्शन और ये शेडेड पोर्शन सेम है, ये सिर्फ इसमें इसको इस थ्री डायमेंशन का ये नेट डायग्राम है। ठीक है, ऐसे आपने ट्राई करना है कि ये कौन से डायग्राम, कौन सी फिगर का कौन सा नेट डायग्राम होगा। कुछ समझ आ रहा है? यस सर। इसको ट्राई करना, जैसे ये और ये, ये और ये, तो ऐसे ही आगे ट्राई करना, देखते हैं अगले पेज पे क्या है। अच्छा टूड, ये यहाँ पे तो ये सारे जो हैं ये थ्री डी शेप्स हैं और इन थ्री डी शेप के ये तीन ऑप्शंस दिए, ये और ये। तो जैसे इस थ्री डी शेप का ये नेट डायग्राम है, इसका क्या होगा सेकंड वाला, इसका कौन सा लग रहा है आपको, ये ए, इसका फल ए, हाँ इसका मेरे को ए लग रहा है, वेरी गुड। अब इसका कौन सा लग रहा है सर, इसका बी या सी, बी क्योंकि इसका एंड देखो, इसका जो एंड है वो हेक्सागन है, 1 2 3 4 5 6 और हेक्सागन तो ये है, ये तो पेंटागन है साइड में, तो ये, तो इनको आप अपने कंप्यूटर पे ही, अपने मोबाइल पे या कंप्यूटर पे ही, क्योंकि ड्रॉ करने में तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसको देख के आप जो आपको लग रहा है, जैसे इसका ये लग रहा है। नेक्स्ट सर, इसका ए, लेकिन इसने यहाँ पे क्यों दिखाया, अच्छा इसका सर, इसका सर, इसका सर, इसका बी, इसका क्या स्पेलिंग होगी, एल एन ए पी, और क्या टाइटैनिक को सर, इसका सी, क्या की टाइटैनिक,
ई होगा या बी होगा? सर इसका बी है, इसका इसका ना yes, sir. इसका यस सर हाँ मेरे को भी बी लग रहा है। खैर ऐसे ही आपको इसको प्रैक्टिस करने में मजा आएगा। ये अच्छा अब इनके यूज ए पेंसिल एंड रूलर टू ड्रॉ द शेप नेट। अब इस ये 3D डायमंड 3D दी शेप दी हुई है, इसका नेट डायग्राम बनानी है। बना पाओगे सर? नेट डायग्राम मतलब? नेट डायग्राम मतलब ये वाली, जैसे ये तो शेप है और ये तीन जो है ये नेट डायग्राम्स है। वही मैंने कहा ना, जैसे मान लो आपको, जैसे हमने ये शेप दिखाई, जब ये जो ये वाली है ये नेट डायग्राम है। जब इसको हम बंद करते हैं, नेट डायग्राम को क्लोज करते हैं, तो हमारे को एक प्रॉपर शेप दिखाई देती, जैसे ये देखो एक बॉक्स बन गया। तब तो ये थ्री डायमेंशनल एक शेप बन गया। लेकिन अगर इसको हम खोलेंगे, जब इसको हम खोलेंगे तो ये इसका नेट डायग्राम है उस बॉक्स का या उस थ्री डायमेंशनल शेप का। दिस इज द नेट डायग्राम। तो ये प्रैक्टिस से ही आएगा। जो नहीं आता है पहले इसको सेकंड जो ये वाला पेज है इसको आप चेक कर सकते हो, इससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। वैसे इसको भी तो इसको क्या कहते हैं, ये तो स्क्वायर बेस्ड पिरामिड, यानी कि इसका जो बेस है, बेस मतलब जिसके ऊपर ये टिका हुआ है, बेस तो कौन सा है, बेस तो ये नीचे वाला है, ये इस बेस के ऊपर ये टिका है, तो ये तो स्क्वायर शेप का है और ये ऐसे पिरामिड है। 1, 2, 3 इसमें कितने फेसेस हैं? एक तो ये 1, 2, 3 एंड 4 इसमें चार होंगे क्योंकि नीचे बेस स्क्वायर है। अरे शेप इसका देखो, इसका जो बेस है आपने बताया ही नहीं, पेज दिख नहीं रहा। सर मुझे लगा उससे समझा जाओ। नहीं मैं तो इस ये देखो ये इस जो ये है ना स्क्वायर बेस्ड पिरामिड, इस शेप का नाम तो पिरामिड है और पिरामिड किस टाइप का है? स्क्वायर बेस। इसके जो बेस है वो स्क्वायर की शक्ल में है और क्योंकि स्क्वायर के कितने एजेस होते हैं, 4 साइड्स होते हैं, 1, 2, 3, 4 तो हर साइड पे एक ट्राइंगल बन गया। जैसे ये वाला अगर देखें हम, ये वाला इस पे ये ट्राइंगल बना दिया, इसी तरीके से ये वाला इस पे भी एक ट्राइंगल बन गया। अब यहां ये वाला शेप जो है टेट्राहेड्रॉन, इसका बेस तो एक ट्राइंगल है, यानी कि उसमें 3 ही साइड्स हैं, तो इसका जो एक प्रकार से पिरामिड बनेगा वो उसके फेसेस कितने होंगे? उसके 3 फेस होंगे, एक क्योंकि नीचे 3 एजेस हैं, एक ये फेस, एक ये फेस और एक जो पीछे से है, तो 3 फेस और एक बेस, ये बेस है और ये 3 फेस है। इसी तरह इसमें एक बेस है और 4 फेसेस हैं। सर जो बेस होता है वो हमेशा सेंटर में होता है? नहीं जरूरी नहीं है, अरे देखो इनके आंसर्स भी दिए, शेप नेट आंसर्स बाइक, अच्छा बाइक नेट नहीं
by coloring the correct pair the same color. अच्छा फिर से इसको वही है, इस पेज में आपको उसको जैसे ये वन और ये वन, ये टू और ये टू, इसमें देखो इन्होंने नंबरिंग दिया हुआ है तो इसमें आपको आंसर्स मिल गए, उससे थोड़ा सा आपको याद भी रहेगा और समझ भी आएगा. जैसे ये सेवन है, इसका नेट डायग्राम ये है, ये टेन है और टेन का ये है, लिखा हुआ है ना टेन, तो कम से कम आपको देख के और कंफर्म हो जाएगा और आपको समझ में आएगा, अरे हाँ अच्छा ऐसा है नेट डायग्राम इसका. अभी देखो ये जो एट है ये क्यों, क्योंकि इसके जो दो साइड्स हैं, एक ये वाला और इसके अपोजिट यहां से वो, या ये बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, और जो इसके फेसेस हैं, जब इसको आप यहां से मान लो इधर से काटोगे और इसको ओपन करोगे तो कितने सरफेस हैं, कितने फेस हैं, वन टू, फिर इसके नीचे वाला ऐसे ही वो यहाँ पे आपको दिख रहा है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स आपके ये फेसेस हैं और दो आपके ये एंड एंड फेसेस. तो इनको आप एक बारी जस्ट गो थ्रू देम, ठीक है, थोड़ा और प्रैक्टिस होगी, देखने से ही समझ आएगा, तो आप इसको देख सकते हो. तो ये मैं वहां डाल देता हूँ कहाँ पे, क्लास वर्क में हमने कौन सा डाला, 4022. तो इसमें एक तो हमने देखा थ्री डायमेंशन शेप, और 403 में रखते हैं थ्री डायमेंशन नेट डायग्राम्स. 403 में अलग बना देता हूँ, उससे फिर कंफ्यूजन नहीं होगा. तो मैं इसमें 403 अलग से बनाता हूँ, उसमें लिखता हूँ थ्री डायमेंशन नेट डायग्राम, ठीक है, और ये प्लेन वर्कशीट है, इसे मैं W लिखता हूँ, मतलब ये एक्सरसाइज इसमें कुछ आप कर नहीं सकते हो लेकिन ये आप कॉपी कर सकते हो या इसको देख सकते हो या अपनी कॉपी में लिख सकते हो, तो इसको इसलिए मैं W लिखूंगा, W मतलब वर्कशीट, ये वाला यहाँ, ठीक है. तो ये दो एक्सरसाइजेस हैं, दो ये कहाँ पे इनको हम कह दो दिखाते हैं आपको, ये हमारा नंबर 4 में है, 4012 और 3 को नीचे लाता हूँ तो आपको 4042, इसको भी आप खुद प्रैक्टिस करना, खुद देखना, उसको एक्सरसाइज है, इसको मैं साइन करता हूँ और 403 को भी असाइन करता हूँ, तो दोनों को आप एक बारी देखोगे तो थोड़ा और क्लैरिटी होगी और समझ में आएगा. ओके ओके सर, इसको यहाँ पे रोक देते हैं. तो आप इनको अभी आपके पास और जो भी हाफ एन आवर या 20 मिनट्स हैं उसमें आप प्रैक्टिस करो, आप अपने मोबाइल में, या आप लैप कंप्यूटर पे काम करते हो या मोबाइल पे, सर लैपटॉप पे. हाँ तो लैपटॉप पे आप ये 402 को ओपन करो और 403 को भी करो, और एक बारी खुद आप इसको माउस से, जैसे 402 खोलोगे इस लिंक को खोलोगे तो आप इसको खुद यहाँ से ये जो बटन है ये और ये, इन बटन को आप माउस से ड्रैग कर सकते हो, जैसे ये मैंने पकड़ा इसको और इसको ऐसे ड्रैग की, अरे शेयर ही नहीं किया, इसको ड्रैग किया ऐसे, ये बंद हो गया तो आपको थ्री डायमेंशंस देखी,
तो ये इसका नेट डायग्राम है। देखो अब नेट डायग्राम अगर मैं अब अलग देखो, ये अलग डायग्राम है, तब भी इसका यही बॉक्स बन रहा है। तो एक तो इसको थोड़ा आप खुद करना, उसे और क्लैरिटी आती है, उसके बाद फिर 402 के बाद 403 भी करना, ठीक है? ओके सर। दिस इज अबाउट थ्री डायमेंशंस, 3D फिगर। चलो ओके देन, बाय बाय सर, थैंक यू सर, टेक केयर सर, बाय।